हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग घर पे अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप लोग कुछ नए नए काम कर रहे होंगे, आप लोग खुश होंगे। ठीक है, जिंदगी ऐसे ही है, जिंदगी चलने का नाम है और हमेशा चलते रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें रुकना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम हमें इसलिए आते हैं क्योंकि हमें उससे लड़ने की क्षमता हो जाए, लड़ने की हिम्मत आ जाए। ठीक है, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को ऐसा मत सोचिए कि हाँ वो आपको कुछ डिस्ट्रैक्ट करके जाएगा, कुछ ज्यादा अच्छा जाएगा। आपको हर प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो ये पॉजिटिविटी अपने पास रखिए और अपने साथ रखिए और इस पॉजिटिविटी से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में हो तो उसे लड़ने की हिम्मत कीजिए। तो आज का मेरा ब्लॉग है, मैं आज प्याज के पराठे बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से बनाया मैंने और आप सब बनाइएगा तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा प्याज के पराठे और खाने में भी बहुत मजा आएगा खाने में, क्योंकि मैंने प्याज के पराठे जो है स्टफ करके, फिल करके, स्टफ जो उसके स्टफ होते हैं मैंने फिल करके बनाया है। तो आप सबको बहुत, मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड यू कैन लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो ऑल्सो। सो जो मेरा रेसिपी है इसी तरह आते रहेंगे हमेशा न्यू रेसिपी, और कुछ मैं आर्ट का वर्क भी बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि आर्ट के में थोड़े से काम मुझे बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसकी भी आर्ट की वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी डालूंगा। और तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि कहाँ पे मैंने कुछ कमी किया। अगर कुछ कमी किया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और आप लोग से मुझे बात करना अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को देखिए पूरे और बना के खिलाइए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने फैमिली को पूरे। और जरूर से जरूर मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कहीं भी कुछ भी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में, और आज मैं फिर से कुछ नया बनाने जा रहा हूँ। आज मैं प्याज वाले पराठे बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने आटा ले लिया है और आटा को पहले गूंदने से पहले इसमें नमक डालना पड़ेगा, थोड़ा सा नमक डाल दूँ, क्योंकि उससे ना कि आटे के हर जगह पार्ट में नमक हो। ठीक है, तो थोड़ा नमक इसमें मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से सानना है। ठीक है, सॉफ्ट सानने हैं। तो ये क्योंकि इस आटा सानना भी पराठे के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे तरीके से सानना पड़ेंगे। अगर आप जो आटे हैं अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट रहेंगे तो पराठे फट जाएंगे और अच्छे से नहीं बनेंगे, तो इसके लिए भी हमें आटे को अच्छे से सानना पड़ता है। और आपको दिख रहा होगा साइड में अनियन, हाँ मैंने अनियन को भी सही से इसको छील दिया है। ठीक है, अब इसे चॉप करना है, बारीकी से चॉप भी करूँगा उससे। ठीक है, चॉप करके फिर इसे बनाऊंगा। तो ये देखिए, आटे को अच्छे से, आपको जब भी आप आटा सानिए तो धीरे धीरे पानी उसमें ऐड कीजिए, ऐसे इससे कि आपका ना सही रहेगा, नहीं तो आप ज्यादा पानी ऐड हो जाएगा इस तरह, इसलिए। तो धीरे धीरे पानी ऐड करके और इसे सॉफ्ट सानने हैं और बहुत अच्छे लगते हैं पराठे, और पराठे तो बेस्ट है पंजाब में, और हर टाइप के पराठे खाने चाहिए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज अनियन वाले पराठे बनाना चाहिए और आप सबको साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप सबको भी कुछ अलग टाइप के पराठे आते हैं तो मुझे आप मुझे शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर इसे ट्राई करूँगा और बनाऊँगा। इसे थोड़ी सी और पानी डाल के इसे करने हैं, और ये देखिए आटा बहुत अच्छे से सन गया है, बहुत सॉफ्ट भी है। तो इसे हम 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं, तब तक हम इन मेन टाइम में
प्याज को बारीकी से काट लेते हैं और उसका चॉप करके उसमें सब कुछ मिक्स करके फिर बनाते हैं। तभी इस तरह आटे को आप इसे चाहो तो ढक के भी रख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके अंदर थोड़ी सी ऑयल लगा दोगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है, वो आटा सॉफ्ट ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है कि आटा ने टाइट ना हो और सॉफ्ट रहे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, फिर मैं चॉप कर लेता हूँ अनियन को जल्दी सा, ठीक है। और देखिए अनियन को चॉप कर रहा हूँ, इसे बहुत बारीकी से चॉप करना है। इस तरह से अनियन को चॉप करना है हमें सारे। दोस्तों मैंने सब कुछ कटिंग कर लिया है, मैंने अनियन को बहुत बारीकी से मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता मिक्स करता हूँ चॉप किए हुए, ठीक है। इसमें मैं धनिया पत्ते को मिक्स कर दिया हूँ, ठीक है। फिर इसमें मैंने ये अदरक है, मैंने अदरक को भी चॉप करके पतली चॉप किया हूँ, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। फिर इसमें मैं मिर्च थोड़े से ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें मैं थोड़ी सी देखी लाल मिर्च, थोड़ी सी कलर और अच्छे से इसमें दिखे, थोड़ी सी ये ऐड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें जीरा ऐड कर रहा हूँ। और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं धनिया, ना ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा स्वाद के लिए डालना है। और इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ, और नमक ऐड करते ही इसमें पानी छोड़ने लगेगा, इसलिए जल्दी से बनाना पड़ेगा हमें, नहीं तो नमक उसमें भी ऐड है, सिर्फ थोड़ी सी हल्की सी नमक इसके अंदर जो रहे। और नमक ऐड करके इसको मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने हैं सब जगह, मिक्स नमक जाए, जो पाउडर है धनिया पाउडर मैंने डाला वो सही जाए, ठीक है। ये देखिए इसको अच्छे से ऐड करना है आपको और अच्छे से बनाना है इसको। ये देखिए ये ऑलमोस्ट नमक सब जगह ऐड हो चुके हैं इसमें से, और अच्छे से कलर भी आ रहे हैं और अच्छे से टेस्ट भी आ रहे हैं। तो ये हो चुके हैं, अब मैं साथ में जो ये मैंने आटा साना था इसके पेरे काट लूं, ठीक है। सब पेरों को एक साइज का बनाना चाहता हूं, इसलिए सभी में इक्वल डिवाइड किया मैंने। और साथ में गैस ऑन कर देता हूँ, नहीं तो फिर गैस गैस ऑन कर दिया मैंने, इसे इस साइड रखा है। और आप सब कैसे हो, आप सब कैसा चल रहा है आप सबका, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और इसे हमें सर्कुलर करना है। पहले इसको अच्छे से इस तरह करना है, फिर इसके बाद सर्कल करूंगा मैं। ये देखिए आटे, हाँ देखिए आटे से
आटे को हाथ में लगा के ये सर्कल फिर सही होता है और अच्छे लगते हैं। ये देखिए, और प्याज वाले स्टफ फिल हुए पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्रिस्पी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो आप बनाया कीजिए घर पे और सबको खिलाया कीजिए, ठीक है। और कुछ जो भी कुछ है, जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आता, कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा सुनने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और अच्छा लगता है आप सबसे बात करना, आप सबसे इंटरेक्ट करना, ठीक है। आप सबके कमेंट पढ़ना, रिप्लाई करना उसके, ठीक है, अच्छा लगता है मुझे। और जिस तरह से आप लोग प्यार करते हो और उस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पूरा हो गया है एक साइज का, ठीक है। अब मैं इसे जो स्टफ है इसे पूरा अच्छे से फिल करना चाहता हूँ, फिल कर रहा हूँ। फिर से मैंने डाला थोड़ा सा अच्छा। देखिए जो स्टफ वाले पराठे हैं उसमें अगर स्टफ सही से फील नहीं हो तो खाने में मजा नहीं आता है, तो इसलिए इसके लिए अच्छे से फील कीजिए, अच्छे से फील करके बनाइए। देखिए अब ये फील हो गया पूरा। अब इसे मैं ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके इसके जो ये हैं इसको बंद हो जाएगा। देखिए ये सर्कल हो गया। अब इसे आटे के अंदर डालना है, ठीक है, और इसे अच्छे से बेलना है। ये देखो अब इसे अच्छे से बेलना है, हल्के हाथों से बेलना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे हल्के जो थोड़े से ऐसे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो स्टफ पराठे में ऐसे आते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थोड़े से प्याज के जो ऊपर ऊपर जो दिख रहे हैं कोई बात नहीं, अच्छा लगते हैं इस तरह। मैं इसे हमें अच्छे से बेलने हैं और हमें पराठे के रखे पतले से बेलने हैं, ठीक है। तो अगर कुछ थोड़ा सा ये बाहर आ रहे हैं ऐसे, तो इसके ऊपर हल्के से आटे के ऐसे लगाइए और इसको फिर से बेलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टफ पराठ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि इसके जो है थोड़ा बाहर भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। और इसे राउंड राउंड घुमा घुमा के बेलते रहिए, ठीक है। इस तरह से जो स्टफ पराठा है, एक दो टाइप से अनियन पराठे बनते हैं। एक तो हम जब आटे में ही अनियन डाल के और इसको गूंद देते हैं, सान देते हैं और उसके बाद बनाते हैं, तो उसमें उस टाइप से भी अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उस टाइप से भी एक बार बना के शेयर कर लूंगा, ठीक है। और इस टाइप से भी बनाइएगा तो बहुत अच्छे लगते हैं। कि देखिए ये इसमें है ना कि अनियन हर जगह है और पूरा अच्छे से, उसमें क्या होता है थोड़ी सी अनियन कम लगते हैं और बेलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मगर इस टाइप से बनाओगे तो अल्टीमेट लगेगा। अब देखिए जो एक्स्ट्रा जो आटे हैं उसको ऐसे कर दीजिए तो आटे जो है वो खत्म हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और आपके पराठे एकदम आटे से भरा नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ थोड़ा सा, और गैस गर्म हो चुके हैं, ये देखिए, और गैस पे ये लगा दिए, ये देखिए। इसी तरह नेक्स्ट बनाना है, और
पराठे तो पंजाब में फेमस है और पराठे के बिना जिंदगी नहीं है। पहले मुझे नहीं लगता था, मैं पहले उतना पराठे नहीं खाता था। हमारे यहाँ सिर्फ ट्राइंगल पराठे बनते थे, ठीक है, और आलू वाले पराठे बनते थे। गोभी भी कभी बने नहीं थे घर पे कभी। आप देखोगे आज के डेट में सभी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, क्योंकि आजकल डेट में कल्चर चेंज हो रहा है। कल्चर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हर कुछ नया नया रेसिपी बन रहे हैं। पहले साउथ के खाने भी हम बहुत नहीं खा पाते थे, नहीं बनते थे। आज के डेट में साउथ के खाने भी हम प्रेफर करते हैं खाना, ठीक है, और साउथ के खाने भी बहुत टेस्टी होते हैं, ठीक है, और अल्टीमेट लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए सब कुछ धीरे धीरे चेंज होता है, अच्छे भी आते हैं, चेंज लाना चाहिए, और चेंज तो बहुत जरूरी है। देखिए मेरे पराठे एक साइड से हो गए होंगे, ये देखिए, देखिए मैंने सेकंड कर दिया है इस तरह, और इसको भी फिल करने हैं। और बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए इसको धीरे धीरे, मैंने थोड़ा सा गैस बहुत कम पे किया हुआ था, थोड़ी सी तेज कर देता हूँ गैस, और एक साइड से मैं इसको फिल कर रहा हूँ, ठीक है, और आप सबसे बात कर रहा हूँ। तो आप सब अपने प्रॉब्लम मुझसे शेयर कीजिए, आप बताइए, जहाँ तक जो भी हेल्प हो सका है मेरे से मैं करूँगा और आप सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। हाँ, ऐसा कभी कभी क्या होता है, कोई लोग बहुत कुछ सॉल्व नहीं कर पाते हैं, मगर मैं बोलता हूँ अगर किसी को हम सबसे मत शेयर कीजिए जो कि आपको इग्नोर करता हो, जो आपसे बात नहीं करता हो, उनसे मत शेयर कीजिए। उनसे शेयर करने से कोई फायदा नहीं है। आप उनसे शेयर कीजिए जो आपके प्रॉब्लम को सुनता हो, आपके प्रॉब्लम के बारे में उसे भी फिक्र हो, ठीक है। आप कुछ गलती करो तो आप वो आपको बताए कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये गलती है, ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आप उसे इग्नोर कर दो, उससे बात मत करो, उससे बात करो, ठीक है। और सच में कभी कभी क्या होता है ना, किसी को अपने प्रॉब्लम बताना जो बहुत आपको लगता है कि हाँ बहुत ट्रस्टवर्दी है, बहुत हेल्पफुल है, तो उससे क्या होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होता मगर उसके लड़ने का एक हिम्मत आ जाती है, और आपको आपको आपका माइंड बहुत शांत हो जाता है, बहुत काम हो जाता है, ठीक है। इस तरह ये देखिए मेरे पराठे बन रहे हैं धीरे धीरे, और सेकंड में पराठे बेल दूंगा। मेरी स्मॉल सी किचन है किचन क्या बोलते बताऊं, जस्ट ओपन किचन ही है। ये देखिए पराठे को आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। आप इसमें घी भी लगा सकते हो और ऑयल भी लगा सकते हो, मैं अभी घी लगा रहा हूँ, मेरे पास घी का इतना बड़ा है, ठीक है। तो आप सब आओ कभी मेरे घर पे और मैं आप सबको खाने के लिए खिलाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और एक साइड से हो चुका है, तो मैं घी थोड़े से लगा देता हूँ इसके ऊपर, ये देखिए, और घी में पराठे का स्वाद अल्टीमेट, सच में, ये देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये इसको चेंज करना है, ये दोनों साइड से घी लगाइए, मस्त से पराठा बनेंगे, ये देखिए। ये है अनियन पराठे, प्याज वाले पराठे, कुरकुरे और मस्त रेसिपी। बहुत ऐसे पराठे खाइए, मस्त दिन का ना शुरुआत तक अच्छे से हो जाना तो पूरे दिन अच्छा सा होगा, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है कि आप कैसे, देखिए ये देखिए, वाओ, वाओ। आप लोग बताइएगा मेरे पराठे कैसे लगे, ऑनियन वाले पराठे, और मुझे बताइएगा आप सब कि आप सब ने बनाया है और आपको टेस्ट अच्छा लगा है, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड से एकदम बहुत कुरकुरे और मस्त से बने हैं, ठीक है, एकदम करारा पराठे, ये देखिए। पराठे रखते हैं तो इसके नीचे कुछ कपड़े रख के और इस तरह से ऐसे रखे तो पराठे ना आपके जो पानी नहीं छोड़ेगा और अच्छा लगे बने रहेंगे। तो इस तरह से थोड़ा देर के लिए छोड़ना पड़ता है, ठीक है,
गैस मेरे कम कर दिए हैं और जल्दी जल्दी सेकंड पराठे के लिए बेलना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए मैं सेकंड पराठे बना स्टार्ट कर दिया मैंने फिर से, और तो इस तरह से अच्छा करते रहिए काम, धीरे धीरे बढ़ते रहिए, ठीक है। लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करते रहिए, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ, आप सब लोग इतने समझदार खुद हो, मैं जिंदगी में कुछ भी हो जाए किसी का दिल मत तोड़िए, किसी को हर्ट मत कीजिए, किसी को बुरा मत बोलिए, ठीक है। क्योंकि किसी को बुरा बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपको ही वो रिटर्न आएंगे कभी भी, और आपको ही लगेगा कि हाँ। और क्यों किसी को बुरा बोलना यार, सभी लोग इतना, मैं मानता हूँ सब परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, किसी में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगा ही, कोई कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, ठीक है। और हर कुछ कह के ही नहीं सब कुछ कहा जाता है, कुछ कुछ छोड़ देना चाहिए। ये देखिए मेरे पराठे कितने अच्छे कलर आ रहे हैं, और ये देखिए अभी हो रहे हैं, ये सेकंड पराठे हैं मेरे, और मैं थर्ड पराठे को फिल कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से पराठे बनाया कीजिए और खिलाया कीजिए सभी को, अपने दोस्तों को, अपनी मम्मी को, पापा को, अपने भाई बहन को, ठीक है। और अपने हस्बैंड को भी खिला सकते हो अपने, क्योंकि सभी को खिलाइए आप सब, तो उन्हें भी अलग अलग टेस्ट पसंद आएगा, ठीक है। आप उनको भी बोलिए कि हाँ आपके साथ किचन में हेल्प करें, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हमेशा सिर्फ लड़कियां ही किचन में। सॉरी मेरा गैस बंद हो गया क्योंकि हवा चल रही थी, इसलिए फिर से मैंने गैस ऑन किया है और ये पीच पे फिर से रन आउट होने का चांसेस हो रहे। आप लोग मैच कितने देखते हैं, कौन कौन मैच देखते हैं? मैं तो बहुत ज्यादा फैन हूँ मैच का, मैं मैच बहुत ज्यादा देखता था, मगर अब छोड़ दिया मैच देखना, इसलिए। तो इस तरह नहीं कि हाँ सिर्फ लड़के ही खाना बनाए, लड़के नहीं बनाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप सबको सिखाया कीजिए, सबको अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। और इस तरह से वो भी खाना बनाएंगे, सबके साथ हेल्प करके खाना बनाने में मजे ही अलग है। और खाना बनाना कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं है, इतना बड़ा कोई काम नहीं है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा होता है शुरू शुरू में, मगर बट आप काम रहोगे, पीस रहोगे, एकदम शांत रहोगे, ठीक है, बन जाएगा सब कुछ, यू कैन मैनेज, ठीक है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा फील करते हो, कैसा किस चीज को कैसा पॉजिटिव लेते हो, ठीक है, इस तरह से आपको डिपेंड करता है। एक साइड से हो चुका है इसको, अब मैंने घी लगाने हैं, ये देखिए। और देसी घी खाइए, आप सब खाइए देसी घी, और देसी घी में पराठे को इस तरह से रोल कीजिए और उसके ऊपर मक्खन, अल्टीमेट, ठीक है। मक्खन के बिना पराठा अधूरा है, जैसे शिव के बिना जैसे राधे के बिना कृष्ण अधूरा है, ठीक है। तो इसी तरह पराठे के बिना मक्खन अधूरा है, तो मक्खन तो पराठे में चाहिए ही, और पराठा बिना मक्खन से, ये देखिए साइड में भी लगाने हैं दूसरे साइड से, और साइड से थोड़ा सा इसको इस तरह से कर दिया कीजिए कि सब साइड के भी पक जाए अच्छे से, ये देखिए। और इस टाइप से पराठा आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में भी, और सच में आप बोलो एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा और मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। जितना हो सके मैं उतना करने के लिए रेडी हूँ हमेशा, और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को मैं हेल्प कर सकूँ, सब सारी दुनिया को अच्छा कर सकूँ, ठीक है। बट हाउ समहाउ जितना मैं कर पाऊंगा उतना करता रहूंगा, ठीक है। ये देखिए, आइए खाइए मेरे पराठे, प्याज वाले पराठे। ये हैं बटर और ये हैं मेरे अनियन पराठे, प्याज वाले पराठे, और इसके साथ बटर के साथ पराठे की अल्टीमेट ये होती है। अरे निकल जा, एक मिनट, मुझे एक हाथ से हैंडल करने में थोड़ी सी नहीं बन रही है, मैं एक बार पहले बटर को डाल के फिर बनाता हूँ वीडियो। ठीक
देखिए बटर पिघलते हुए। वाह क्या स्वाद आ रहे हैं, क्या कलर आ रहे हैं। तो आप सब बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए पराठे। ये अनियन वाले पराठे बहुत टेस्टी लगेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो जिसके अंदर जो स्टफ है कितने अच्छे से फिल किए हुए हैं, ठीक है। पूरे ये देखिए पूरे स्टफ अच्छे से, प्याज पूरे अच्छे से फिल किए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं खा रहा हूँ, बहुत अल्टीमेट स्वाद आ रहा है क्योंकि इस तरह पूरे सब कुछ स्वाद आ रहा है एक एक चीज का और अच्छे से बना हुआ है। तो इस तरह बनाइए और खाइए, बहुत अल्टीमेट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सब प्लीज एक बार ट्राई करना। मुझे लगता है कि अगर एक बार ट्राई करोगे ना तो आपको वो आ जाएगा और आप आप जब भी बनाओगे तो बहुत अच्छे तरह से बनाओगे और जो भी खाएगा रियली मैं बोल रहा हूँ बहुत उसको बहुत प्यारा लगेगा खाने में। और जब भी बनाइए दिल से बनाइए और कभी दुख होके नहीं बनाइए, खुशी होके बनाइए, हमेशा स्माइल करते रहिए क्योंकि जिंदगी में कुछ रखा नहीं ऐसा कुछ भी बड़ी चीज है। आपका हौसला, आपका प्रॉब्लम के प्रति कैसा झुकाव है, कैसा पॉजिटिविटी है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए और उस पर काम करते रहिए और आप एक दिन अच्छे इंसान बन जाओगे, अच्छे सक्सेस मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है किसी को सक्सेस थोड़े से लेट मिलते हैं तो इसका ये नहीं मतलब होता है कि वो उसे नॉलेज नहीं है, उसे पता नहीं है सब कुछ, ठीक है। हो जाता है कभी कभी कुछ लोग को लेट में फेम मिलते हैं, लेट में सक्सेस मिलते हैं, मगर उसे भी रिस्पेक्ट कीजिए जिसके अभी अभी जो आगे नहीं बढ़ पाया है उसे भी उसको हौसला अफजाई कीजिए, उसे बूस्ट अप कीजिए, ठीक है। और इसी तरह मेरे से बात करते रहिए और अपने प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते रहिए और अच्छा लगेगा आप सबके साथ इसी तरह लाइफ में चलते रहने के लिए। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।